तो दोस्तों, मेरे चैनल में आज मैं आपको बताऊंगा कि बाय लॉ फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ बिल्डिंग, जो भी बिल्डिंग की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जो भी बेसिक चीज़ें होती है, जैसे प्लिंथ हाइट क्या रखनी चाहिए हमें, उसका रूम का साइज़ क्या होना चाहिए, किचन हुआ, बाथरूम हुआ, उसमें क्या मिनिमम साइज़ होती है, मैक्सिमम साइज़ क्या होती है, उसके बारे में मैं आपको चीज़ समझाऊंगा। जैसे स्टेयर हुआ, उसमें क्या क्या होता है। तो ये मैं बिल्डिंग बाय लॉ का पार्ट 3 बना रहा हूँ, ठीक है, पार्ट तीसरा ये। तो आपने इसका पहले आई होप कि दोनों वीडियो देखा होगा बिल्डिंग बाय लॉ का। तो अब नहीं देखे तो जरूर उसको देखिए, बिल्डिंग बाय लॉ का जो प्रीवियस वीडियो है उसमें कैसे अपडेटेड है, ठीक है दोस्तों। तो ये मैं बिल्डिंग की जो भी रिक्वायरमेंट होती है, हाइट क्या रखनी होती है, अगर प्लिंथ लेवल की मैं बात करूँ तो उसमें क्या हाइट रखनी होती है, कैसे करना होता है, इस चीज़ों के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। और हैबिटेट रूम, जो भी मतलब रहने योग्य रूम होता है, हिंदी में बोले तो रहने योग्य रूम, तो उसके बारे में बेसिक चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं अगर प्लिंथ आविष्कार करता हूँ वीडियो अपना, मैं टाइम नहीं वेस्ट करने से मतलब हम वीडियो स्टार्ट करें, तो मैं प्लिंथ हाइट की बात करूं अगर, तो ठीक है ना। तो प्लिंथ हाइट अगर मैं कहीं भी बिल्डिंग बनाते हैं तो आप एक प्लिंथ हाइट मान के चलते हैं, ठीक है। एक प्लिंथ हाइट पूरे बिल्डिंग का एक होता है जो चारों लेवल से सेम होता है। तो मैं बता दूं, अगर प्लिंथ हाइट बोले तो मतलब जो भी आपका फ्लोर होता है वही लेवल उसका प्लिंथ हाइट होता है, ठीक है। तो वो हमें रोड से कितना हाइट पर रखना होता है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। मान लीजिए कोई भी रोड है हमारा, तो उस पर कितनी हाइट ऊपर रखें, ठीक है ना। तो मैं अगर ग्राउंड लेवल की बात करूं, ठीक है दोस्तों, तो अगर ग्राउंड लेवल की बात करूं तो मैं उसको रख सकते एबव द ग्राउंड लेवल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एबव ग्राउंड लेवल, या फिर इसको जीएल भी बोलते हैं, यानी जीएल से हमें कितना ऊपर रखना होता है। तो ये रखना होता है करीब 1.5 फीट, यानी 450 mm हाइट पे। अगर आसपास हमारे पास कहीं ड्रेनेज वगैरह नहीं है, तो स्थानीय के आस में ड्रेनेज जा रही है और उस पर रखती है 450, तो फिर नहीं सही है। हमें ड्रेनेज आसपास कहीं नहीं है तो फिर उसके हिसाब से हम लोग 450। बाकी ये मिनिमम कंडीशन है, मैं ये सारी अभी जो बता रहा हूँ ये मिनिमम में बता रहा हूँ कि मिनिमम को इतना रखना ही रखना होता है। बाकी मैक्सिमम आपको 1.2 मीटर भी रख सकते हैं हाइट में। अगर आपका ग्राउंड लेवल से जितना ऊपर रखेंगे उतना आपको लिए बेनिफिट रहेगा, लेकिन उसकी कॉस्टिंग भी थोड़ी बढ़ जाती है। ये चीज़ को भी आपको ध्यान में रख के इसका भी हाइट बढ़ानी है, ठीक है। तो अपना ऐसा सफिशियंट लेवल बात, लेकिन मिनिमम 450 mm ऊपर रखेंगे, क्योंकि अगर आप बीमी डालेंगे प्लेन बीम तो भी 450 का ही आ जाएगा आपका, अगर मिनिमम डालते हैं तो भी। खैर, वो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं कितना डालना है कितना नहीं डालना है। लेकिन हम लोग जो भी ग्राउंड लेवल आसपास कहीं ड्रेनेज नहीं है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नो ड्रेनेज, नो ड्रेनेज नियर, ड्रेनेज में कहीं नियर में ड्रेनेज नहीं है, तो हम उसको 450 मिनिमम रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ड्रेनेज अगर आसपास रहेगा तो आपका पानी घर में आने की चांस रहेगी, कहीं पानी का लेवल ऊपर हो गया तो, ठीक है। तो इस केस में अपन ध्यान देते हैं, ठीक है। तो अपन 450 mm मिनिमम हम हाइट उस पर रखते ही रखते हैं, ठीक है। अगर आसपास में रोड जा रही है हमारी, मान लो कहीं स्ट्रीट लेवल है, मतलब रोड जा रही है साइड में, ऐसे रोड की बात करूँ तो मान लीजिए हमारा ये हमारा है ऐसे, ठीक है। तो ये मान लो साइड से अगर रोड जा रही है इधर आपकी, तो ये हम कितनी हाइट पे रखेंगे मिनिमम कंडीशन की बता रहा हूँ। ये कम से कम हम लोग आधा फिट रखते हैं अगर रोड का हमारा लेवल ये है, रोड के अगर नहीं है कहीं आसपास रोड है तो हम कम से कम उससे आधा फिट ऊपर रखते ही रखते हैं, 150 mm, ठीक है दोस्तों। तो आधा फिट हम उसको ऊपर रखना होता है, जरूरी होता है चीज़ें ऊपर रखे हम उससे नीचे ना रहे, क्योंकि अगर रोड से नीचे रहा बाई चांस आपने इसको नीचे कर लिया ऐसे, ये हमारा रोड हो गई रोड, और आपने बिल्डिंग का प्लिंथ नीचे रख दिया ऐसे, तो कभी भी अगर रेन ड्रेन होगा यानी पानी कभी भी बहेगा तो पानी आपके घर में आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसलिए आप मैक्सिमम कोशिश करिए कि जितना ऊपर रख सकते हो उतना रख सकते हैं, लेकिन जो मिनिमम कंडीशन होता हमारा रोड रोड लेवल से, हम उसको 150 mm ऊपर रखते हैं, ये मिनिमम कंडीशन है। बाकी आप ऊपर जितना चाहे रख सकते हैं, मतलब तो अपनी कास्टिंग के हिसाब से कितना कास्टिंग, और कम से कम 1.2 मीटर मैक्सिमम तो रखे रखे उसको, मैक्सिमम की बताऊं तो 1 मीटर जैसा आप रख सकते हैं हाइट में एक बिल्डिंग, मतलब हमारा रोड के लेवल से कम 1 मीटर जैसा रख सकते हैं। बाकी आप नीचे चाहे मतलब 450 से ऊपर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारी प्लिंथ हाइट की बात हो गई, प्लिंथ हाइट आई होप कुछ चीज़ आपको समझ आती है कि प्लिंथ हाइट होता क्या हुआ है, क्या होता है। आपने अक्सर देखा होगा जो भी हमारा फ्लोर लेवल होता है उसी को हम लोग प्लिंथ हाइट बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको आई होप समझ में आ गई। अब दूसरा हम लोग हैबिटल रूम की बात करें, हैबिटल रूम मीन्स हिंदी में बोले तो रहने योग्य रूम, हिंदी में ले देता हूँ रहने योग्य रूम, ठीक। तो अक्सर लोग से पूछ देते हैं इंग्लिश में कुछ लिखा रहता तो बोलते हैं इसका मतलब नहीं समझ में आया, तो मैं उसको समझा रहा हूँ आपको कि रहने योग्य रूम बोलते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। अगर मैं एक
बिल्डिंग विथ, मैंने एक टेबल बना रखा पूरा, बस इसमें मैं आपको डायमेंशन बताता रहूँगा कितना क्या किसमें डायमेंशन डालना है, ठीक है ना। ये मिनिमम फ्लोर एरिया, फ्लोर एरिया मतलब वही प्लिंथ हाइट की बात कर रहा हूँ, प्लिंथ हाइट से थोड़ा सा ऊपर होता है फ्लोर एरिया, क्योंकि उसके ऊपर हम टाइल्स वगैरह जो भी फिटिंग करना रहता है वो ऊपर आ जाती है उसके, बाकी प्लिंथ लेवल हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं बिल्डिंग विथ सिंगल हैबिटल रूम यानी सिंगल रूम की बात कर रहा हूँ, बिल्डिंग विथ टू हैबिटल रूम यानी फर्स्ट रूम सेकेंड रूम, ये तीनों का डायमेंशन मिनिमम क्या होगा वो चीज़ मैं समझाता हूँ आपको। तो मिनिमम फ्लोर एरिया, फ्लोर एरिया की बात करूँ तो 9.5 मीटर स्क्वायर यानी एक रूम है वहाँ पे रहने के लिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट रूम 1.5 मीटर स्क्वायर। दूसरा की बात करूँ अगर दो साथ में तो एक छोटा बड़ा कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, मीटर स्क्वायर। अगर विर्थ की बात करूँ मैं कि विर्थ मिनिमम कितना रख सकते हैं आप उसको, ठीक है, तो मिनिमम आपको उससे कम नहीं रख सकते, ये रखेंगे 2.4 मीटर, ठीक है दोस्तों। अगर अगली की बात करें इसमें फर्स्ट रूम में, तो इसमें आप 2.1 मीटर उसका मिनिमम विड्थ रखना ही रखना होता है ये। अगर हाइट की बात करूं मैं तो 2.755, ये भी दोनों सेम ही रहेगा 2.75 हाइट। बाकी अब हाइट ये मिनिमम कंडीशन की मैं आपको समझा रहा हूँ कि मिनिमम इतना रख सकते हैं, बाकी हम लोग नॉर्मली 3 मीटर जैसा रखते हैं, तो 3 मीटर हमारा स्टैंडर्ड साइज आता है, 3 मीटर अगर बिल्डिंग की हाइट रख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक सफिशियंट है हमारे लिए, ठीक है। तो मैंने मिनिमम जो कंडीशन है यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड की बात करूँ तो वो 3 मीटर आप रख सकते हैं हाइट में, ठीक है। बाकी स्टैंडर्ड साइज है वो 2.75 मीटर से बिलो नहीं आ सकते आप चाहे जो भी करें, ठीक है। मिनिमम हेडरूम तो इसकी जो हाइट रहेगी वो आप रहेगी 2.4 मीटर, ये भी 2.4 मीटर, ये भी 2.4 मीटर, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने रूम की जो भी बेसिक डायमेंशन थी मिनिमम, सब में मैंने पहले आपको मिनिमम बता रहा हूँ ये चीज़ें, मिनिमम मिनिमम बस मैंने ये स्टैंडर्ड साइज में आपको समझा दिया। मैं मिनिमम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मिनिमम से अगर आप ऊपर बनाएंगे तो वो सही लगता है, अगर मिनिमम से छोटा हो गया, मान लीजिए आपने कोई एक रूम बनाया सिंगल का, अगर 9.5 मीटर स्क्वायर का उसका टोटल एरिया आ रहा है, एरिया मीन्स लेंथ एंड विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 9.5 स्क्वायर मीटर आना चाहिए, ठीक है। तो वो अगर वो आ रहा है तो रूम स्टैंडर्ड मतलब सही है, मिनिमम साइज में आ जा रहा है हमारा, मिनिमम साइज, मैं स्टैंडर्ड साइज की नहीं बात कर रहा हूँ भाई, तो मिनिमम साइज से सही है तो कोई दिक्कत नहीं, और रहने योग्य रूम है। अगर इससे भी छोटा हो जाता है तो फिर वहाँ पे दिक्कतें आ जाती है, दिक्कत मतलब काफ़ी दिक्कत आएंगी छोटी मोटी चीज़ों को लेकर, उसमें वेंटिलेटर वगैरह सारी चीज़ें होनी चाहिए जो भी हवादार विंडो वगैरह लगानी पड़ती है, ठीक है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड साइज नहीं, हम मिनिमम साइज की हम बातें कर रहे हैं अभी, विड्थ हाइट जो भी इसका फ्लोर एरिया वो सारा चीज़ हम डिस्कशन किया और मैं प्लिंथ हाइट की भी बताया दोनों चीज़ में, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी कि जो भी इसका बेसिक रिक्वायरमेंट होता है बिल्डिंग का उस चीज़ के बारे में बताया। फिर मैं अगला वीडियो इस पर लेकर आऊँगा किचन और बाथरूम के हिसाब से, उसमें क्या हम लोग मिनिमम रख सकते हैं, डायमेंशन वगैरह होती है वो मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि आपको डायमेंशन पता होना चाहिए अगर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसका मिनिमम डायमेंशन कितना रख सकते हैं ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, तो उसकी चीज़ें मैं डिस्कस करता रहता हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।